स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आ रही बड़ी खबर आग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भोपाल में थाने में रखे जब्ती वाहनों में आग लगी है। तो इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बिलखीरिया थाना परिसर में आग लगी है, कई वाहन जलकर खाक हुए हैं। मौके पर दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और कई वाहन जलकर खाक हुए। बिलखीरिया थाना परिसर में आग लगी है, कई वाहन जलकर खाक हुए हैं। ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ब्रिजेश, पूरी खबर पर क्या अपडेट? आग पर काबू पा लिया गया है, कितना वहां जान माल का कोई नुकसान? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का कारण सामने आया है। अब तक शॉर्ट सर्किट से आग लगी, आग चूंकि थाने में रखे हुए जब्ती वाहन जो है, जो किसी न किसी क्रिमिनल केस में या फिर एक्सीडेंट केस में जब्त करके थाने के पास में रखे गए थे, उन वाहनों में आग लगी और आग लगने की वजह से लगभग एक दर्जन बाइक और चार जो कार थी वो जलकर खाक हो गई है। कई अन्य वाहन भी आंशिक रूप से जले हैं। अभी फिलहाल 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी जिन्होंने आग पर काबू पाया है। साथ ही ब्रिजेश ये भी बताएं कि कितनी गाड़ियां दमकल की पहुंची थी इस आग पर काबू पाने के लिए, और वहां जो आसपास के लोग हैं क्या उनसे कोई जानकारी मिल पाई है आखिर अचानक से यहां आग लग कैसे गई? बिल्कुल, देखिए थाने में जो स्टाफ मौजूद था, पुलिस बल ने पहले तो आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग बढ़ती गई इसके बाद जो है, क्योंकि आसपास थाने के खेत भी लगे हुए थे, इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है, कहीं ये आग थाने की फैलकर खेतों तक न पहुंच जाए, इसलिए दमकल को सूचना दी गई थी और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दें ब्रिजेश, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, ये कितने परिसर में आग जो है वो लगी थी, और क्योंकि वहां सारे वाहन ही खड़े हुए थे और खड़े वाहनों में ये आग लगी है, वहां से थाना कितनी दूरी पर था, क्या वहां पर भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए विजुअल्स में हम जो गाड़ियों में आग लगी हुई दिखा रहे हैं उसी बाउंड्री के अंदर थाना है, थाना परिसर में ही ये गाड़ियां लेफ्ट साइड पर रखी हुई थी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ये जब्ती वाहन रखे हुए थे, लेकिन कम नुकसान यहां पर हो पाया है। आसपास के जो लोग थे और थाने की जो पुलिस बल मौजूद थाने में उस वक्त था, उन्होंने कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया था, लेकिन दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने आग पर पूरी तरीके से काबू पाया, लेकिन इस दौरान लगभग 1 दर्जन बाइक और 4 कार जो थी वो जल गई है, कई और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।